से सामने देखा, यहाँ पे मुझे अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए। आप लोग यहीं क्यों लोहा काट के? अच्छा तो ठीक है, एक बार हाय बोल दो। ओके तेरा घर न हो बालमा उस गली से। ये पेमेंट आने के बाद होगा ना? जारी पेमेंट पहले कर वो पहले जाती है। क्या भरोसा? नहीं नहीं भरोसा नहीं, ऐसा होता बाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा भीड़ होगी। क्या भरोसा, उधर ही रह गए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति रामी ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, और जैसा आप देख रहे हैं मैं कहीं जा रही हूँ। विनोद मेरे साथ है, हेलमेट उन्हें पहना हुआ है और हम लोग स्कूटी पे हैं। तो हम आज जा रहे हैं लोहाघाट, और अभी हम 9:40 हो रहे हैं, एग्जैक्टली 9:40 में हम लोग घर से निकले हैं। तो मैं पूरा टाइम ड्यूरेशन आपको आज बताने वाली हूँ कि पिथौरागढ़ से लोहाघाट कितना टाइम टेकिंग डिस्टेंस है, और मैं पूरा दिखा दूँगी आज लोहाघाट लेके चलती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ज्योति रामी ब्लॉग्स पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर आप चैनल पे नए हैं। तो चलो चलते हैं लोहाघाट को। अभी है हम ऐचोली में और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। स्कूटी विनोद ही चला रहे क्योंकि विनोद का हाथ थोड़ा सही है तो विनोद ही चलाएंगे। थोड़ा हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी चला सकती हूँ। वैसे लॉन्ग ड्राइव पे विनोद कभी गाड़ी देते नहीं है चलाने के लिए। तो लेट्स सी। तो हम जा रहे हैं लोहाघाट कोली डेक, जो एक बहुत ही छोटी सी ब्यूटीफुल सी लेक है और आजकल सभी लोग वहाँ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो हम भी आज वहीं जा रहे हैं। पहुंच गए हैं कुर्ला मंदिर पे, तो यहाँ पे हम पूरा रुकेंगे, हाथ हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद हम सीधे चलेंगे। मंदिर में ना हमने हाथ पाथ जोड़ लिए हैं, अब चलते हैं हम सीधे आगे को। अब यू वेर 10:16 और हम अभी पहुंचे हैं व्यू पॉइंट पे। गुंडा मंदिर से नीचे जो व्यू पॉइंट है ना, तो हम लोग वहां पे हैं। यहाँ से मैं एक लोकेशन आपको दिखा देती हूँ यहाँ से कैसा दिखता है करके। तो चलो यहाँ से दर्शन हो जाते हैं हमें सरयू नदी के, ये जो आप बीच में नदी आते हुए देख रहे हैं ना, ये वाली। बाकी ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ से बादल लगे हुए हैं क्योंकि आज धूप भी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। बस हम होप कर रहे कि बारिश ना हो, बाकी मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सही हो रहा है आज, ठंडा ठंडा। तो अभी हो रहा है 10:39 और हम पहुँच चुके हैं घाट पे, घाट के पुल पे हम पहुँच गए। तो घाट के पुल से ये जो नदी निकलती है ना, तो ये है सरयू नदी, यहाँ से ये जा रही है अंदर को। और मौसम भी ठीक हो रहा है, नीचे तो काफ़ी गर्मी हो रही है, तो यहाँ से आराम से निकलते हैं हम भी आगे को। तो फिलहाल तो मुझे इस बात की खुशी है ना कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं है, नीचे को तो काफ़ी गर्मी हो रही है घाट में, लेकिन मौसम काफ़ी सही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि बारिश भी आने वाली है। देखो तो टाइम है अभी 11:11 हो गए हैं और यहाँ पे से लोहाघाट से 14 किलोमीटर है अभी। तो अभी चलते हैं सीधे, जल्दी से पहुँचते हैं लोहाघाट। Finally, here we are in Lohaghat.
हम पहुंच गए हैं लोहा घाट, अभी हम मार्केट के अंदर। तो आगे हमने पूछा ना तो रास्ता कहाँ से जाता है, तो उन्होंने कहा आगे से फिर हमें राइट टर्न लेना है, तो अभी हम सीधे चलते हैं लेक के पास। अच्छा लग रहा, अभी बड़ी बैक पेन हो रही थी, अभी जैसे मैंने सुना चलो अब पास है तो आप रिलैक्स, अभी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। क्योंकि जहाँ हमें जाना होता है, जब हम वहाँ पहुँचने वाले होते हैं ना, वो खुशी अलग होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक दो हफ्ते से ना हम कंटिन्यू प्लान कर रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ, कभी मौसम नहीं हो रहा था, तो आज हम फाइनली आ गए। तो चलते हैं सीधे, मिलती हूँ वहाँ पहुँचने के बाद आपको लोहा घाट की मार्केट, पूरे फल फ्रूट। वाह, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करो। मुझे मार्केट में ना, जब हम मार्केट में जाते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ये जो रोड के किनारे पूरे फल फ्रूट सजे रहते हैं ना, लाल पीले हरे सब्जियां लगी रहती है, तो ये बड़ा सुंदर राइट को। तो जैसा उन्होंने बताया था ना, इस वाले बैंड से हमें राइट लेना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जब आप यहाँ पे से आओगे तो आपने राइट हैंड साइड को उड़ जाना है और यहाँ से सीधे जाना है अंदर को। तो हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ सुंदर सा नज़ारा। तो अभी हुए हैं 11:42 और ये रहा आपके सामने कोली डे का सुंदर नज़ारा। ये देवदार के पेड़ों के बीचों बीच ये सुंदर सी लेक है। ये नज़ारा देख के मेरे आंखों को जो सुकून मिल रहा है ना, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तो मैं तो अपने पूरे ताम झाम के साथ आ रही हूँ, पूरा बैग लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं शूज पहन के आई थी और बाहर से जैकेट पहन के आई हूँ, साथ में लेके आई हूँ कैप। नदी के किनारे हम लेक के पास आए और मैं हेड ना लेके आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे गॉगल्स। अभी मैं जैकेट उतारूंगी, अपना पूरा लुक चेंज करूंगी अभी, और मेरे को ना बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सुंदर जगह है। आप ज़रूर ज़रूर आना यहाँ घूमने के लिए एक बार तो अपनी फैमिली के साथ। तो टिकट हमने काट दी है, ये रही दो जनों का 300 रुपीज़, और सामने पे खड़ी हमारी सवारी ये वाइट वाली, ये वाली। तो हम चलते हैं अपने बोट के पास और इंजॉय करते हैं हम अपनी राइड, ठीक है, लेक की राइड। चलो चलते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी बोट आप देख रहे होंगे, इनके सबके प्राइजेस अलग अलग है। जैसे चार लोग हैं तो 4 सीटर हैं ये, और 2 सीटर वहाँ पे वो जो ऑरेंज वाला है, ये अलग अलग तरीके की यहाँ पे बोट्स लगी हुई है। हम चलते हैं अपनी बोट के पास और सब लाइट जैकेट डाल के जा रहे हैं। ये हमारी सवारी, छोटी सी सवारी, इसमें डाल रहे हम। तो हमने जो पेमेंट पे करी है ना, मैंने आपको पर्ची दिखाई थी, वो 300 रुपीज़ की थी, और प्लस हम उसमें पूरे लेक में आधा घंटा आराम से घूम सकते हैं, जस्ट मात्र 300 रुपीज़। ये भी विनोद डाल रहे हैं अपनी जैकेट। सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। ये मोड़ निकले हो गया ना, इसकी टेक्निक बता दो। जी अपोजिट जाएगा, जिधर भी हैंडल करोगे ना उसके अपोजिट जाएगा, इधर को करोगे तो उधर को जाएगा, उधर को करोगे तो इधर को आएगा, और नीचे रस्सी बजी है उसके आगे मत जाना, ऊपर साइड वो बॉल है।
ऊपर साइड बॉल है जो गुब्बारे दिख रहे होंगे हाँ जी हाँ जी उनसे आगे मत जाना और ज्यादा पेड़ों की तरफ मत जाना आगे को पैडल मारोगे आगे को पीछे को पैडल मारोगे तो पीछे को और ये डायरेक्शन के लिए ये हो गया अपोजिट जाना है चाहिए पैडल मारो ये पेमेंट आने के बाद होगा ना यार ये पेमेंट पहले कर वो पहले जाती है क्या भरोसा नहीं नहीं भरोसा नहीं ऐसा होता बाद में ड्राइविंग बहुत ज्यादा भीड़ होगी क्या भरोसा उधर ही तो बचाने की गारंटी हुई जैकेट है ना सेफ्टी तब है कितने तक 300 अगर ये रहेगी तो आप ऑटोमेटिक तैरते रहोगे बस इसको हक कर लेना होगा अगर बाई पास कोई होता है तो वैसे हो इतना भगवान करे तो ना हो अगर होता है तो जैकेट को हक कर लेना खुली नहीं चाहिए अगर जैकेट खुलती तो फिर तो नीचे चले जाओगे जैकेट आपके साथ रहेगी तो आप तैरते रहोगे ठीक है धन्यवाद हो जाओगे ठीक है आगे वो पैटर्न मार एक एक करके मार सकते जैसे अमृतसर तक जाएंगे तो फिर आप मार देना मैंने पहले अपनी हेड और मेरे ड्राइवर मेरे साथ हैं और हम लेक के बीचों बीच अभी घूम रहे हैं लाइफ जैकेट हमने ही डाली हुई है बाकी ना अभी क्योंकि ठंडा था मौसम तो मैंने अपनी जैकेट नहीं खोली मैं अभी जैकेट में ही हूँ तो अभी मैं ऐसे ही घूमूंगी वाह यार मज़ा आ रहा है सचो मुझे तो अब मेरी फरमाइश है कि विनोद मुझे एक बहुत ही खूबसूरत इस लेक के जैसे एक खूबसूरत गाना गा के मुझे डेडिकेट करना है तुम्हें ठीक है चलो शुरू हो जाओ यू आर ऑलरेडी अ सॉन्ग बेबी क्या आई एम जल्दी नहीं ऐसे वो नहीं कर रहे चलो सुनाओ कुछ भी सुनाओ दो लाइन ही सुना दो लेकिन सुनाओ चलो जल्दी करो गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें अब गुजरना नहीं तालिया ओके थैंक यू वाओ बहुत ही खूबसूरत जगह है रस्सी से आगे नहीं जाना है ना तो आगे पे ना रस्सी है ये पतली तार जैसी तो दिख रही है इससे आगे जाने को मना कर रखा है तो हम इधर ही घूमते उधर साइड चलो ना विनोद उस साइड ज्यादा अच्छा व्यू चलो जाए भाई अरे कहाँ चल रहे बेटा उधर का चलो सर सर उधर वो पेड़ में तो एक बार टच करेंगी हम क्यों पेड़ में टच मत करो ना विनोद पेड़ में ऐसे नहीं होती ना ऐसे टच करेंगी हम अच्छा वाह ये है पेड़ टकराना नहीं चाहिए कहने का मतलब था उनका अरे विनोद क्या कहा था तुमसे पेड़ के पास जाना मेरे को डर लगती है भैया और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए ना सब अपनी अपनी बोट पे बैठे हुए हैं मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ और बड़ा आनंद लिया जा रहा है वाह हाय हेलो सच्ची ओ माय गॉड थैंक सच्ची है थैंक यू थैंक यू आपका नाम अंकिता हाँ सासू माँ के साथ हाँ जैसे आपने देखा यहाँ पे मुझे अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए आप लोग यहीं के हो लोहा काट के अच्छा तो ठीक है एक बार हाय बोल दो ओके ड्राइवर टेक राइट साइड मेरी जिंदगी की गाड़ी तो तुम ही चला रहे हो बेबी पहले तो ड्राइवर सेलर कुछ भी कहो बुलाने लग गए हमारा टाइम हो चुका है ओवर
भैया इतना फिक्स टाइम, 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं। आप इधर ही लागे अपनी करा तो देर तक ही होगा, आधे घंटे से ज्यादा हो गया होगा। इसलिए क्या आपके पास जब एक ही बंदा चलाने वाला तुम तो हो गया, फिर तो काम हो गया। अच्छा हाँ, तुम क्या मेरी शिकायत कर रहे हो इधर? नहीं नहीं, लाइट में लड़का ही होता है, जहाँ जहाँ भी चीज खेलता है लड़का ही खेलता है। तो हम लोग ना आ गए हैं और अब मैं बनाऊंगी आराम से थोड़े वीडियोस अपने रील्स, ठीक है? हाँ, तो अब जो है मैं अपने थोड़े यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगी और मैंने जैकेट उतार दी है और यहाँ पे किनारे पे मैं मस्त वीडियोस बनाती हूँ अभी। और मेरे वीडियोग्राफर, मेरे फोटोग्राफर, मेरे पति देव, मेरे सब कुछ मेरी वीडियोस बनाएंगे। तो बोटिंग हमने कर दी है और मैंने रील्स भी बहुत सारी बना दी है, फोटो पे क्लिक कर ली हम लोगों ने, तो बहुत इंजॉय करा और बहुत प्यारी जगह है। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी ना चलते हैं घर को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वापस दिखाना सेम चीज़ हो जाती है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई जस्ट होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।